Hello kids, welcome back. Today we are going to start our new topic, that is ascending order. Now what is ascending order? Ascending order kya hota hai? Ascending order is when numbers are arranged smallest to largest. मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज होते हैं तब उन्हें हम ascending order कहते हैं. As you see, look here, numbers are 3, 11, 26, 39. जब हम काउंटिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 3. सबसे पहले क्या आता है? 3. फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आता है 11. तो ये फिर 26 और फिर 39. तो ये नंबर्स इस तरह से अरेंज है, छोटे से बड़े की तरफ. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें डिजिट्स छोटे से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज होती हैं. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हेयर, हेयर आर सम काउंटिंग्स. वी हैव रिटन काउंटिंग 1 to 10. लुक हेयर, यहाँ पे अब क्या बन रहा है? 1 bug. कितना है? 1 है, सिर्फ 1 कीड़ा है. 1 से पहले क्या आता है? 0. 0 मीन्स कुछ नहीं. 1 के बाद क्या है? अब 2. कितनी बटरफ्लाइज हैं? 2. तो ये 1 से ज़्यादा है. नेक्स्ट 3 flowers, 1, 2, 3, 3 flowers, ये 2 से ज़्यादा हैं. 4 strawberries, 5 stars, 6 sunflowers, 7 monkeys, 8 apples, 9 trees and 10 candles. तो ये सब हमारी पिक्चर्स कैसे अरेंज हो रही हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, हाउ वी विल अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो लुक हियर, फर्स्ट वन, व्हाट विल वी डू फर्स्ट? पहले हम क्या करेंगे? नंबर्स लिख लेंगे कॉपी में, साइड में. 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब आप यहाँ देखिए, फर्स्ट वन, सबसे पहले आपको पिक्चर दिख रही है, उसमें हमें 4 digits मिली हुई हैं, 4, 7, 1 और 6. तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? 4. अब इन सब डिजिट्स में हमें कैसे इन्हें अरेंज करना है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बड़ा. तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? 1, 4, 7, 1 या 6, क्या आता है? 1. तो हम 1 लिख देंगे सबसे पहले. उसके बाद हमारी डिजिट्स कौन सी बची हैं? 4, 7 और 6. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 1 के बाद इसमें कौन सी आ रही है. 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हैगा, तो हम 4 लिख देंगे अब सेकंड बॉक्स में. फिर नेक्स्ट क्या है? 5 हैगा, नहीं है. अब 6, तो यहाँ पे क्या है? 6 हैगा, तो हम थर्ड कॉलम में उसे 6 को मेंशन कर देंगे, 6. फिर क्या लिखा हुआ है हमारा एंड में? 7, तो हम 7 मेंशन कर देंगे. ओके, अब हमने इन्हें नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दिए हैं. ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नाउ अब वी विल मूव टू सेकंड वन. अब सेकंड वाला करेंगे हम. डिजिट्स हैं 5, 2, 9 और 3. तो सबसे पहले क्या आता है? 3. 1 हैगा? नहीं है. 2 नहीं है. 3, 2 हैगा, तो 2 लिखेंगे सबसे पहले. फिर उसके बाद क्या है? 3, तो 3 लिख देंगे हम. फिर क्या बचा हमारा? 5 और 9. अब हम देखते हैं 5 आ रहा है या 9 आ रहा है. पहले हमारा 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे बॉक्स में. उसके बाद हमारा 9 हमारा बाद में आ रहा है, तो हम सबसे बाद वाले बॉक्स में लिखेंगे ऐसे. अब हम थर्ड वन करेंगे, 4, 8, 2 और 6. तो सबसे पहले क्या है इसमें?
वन है, नहीं है, टू हैगा तो टू हम मेंशन कर देंगे, फिर थ्री नहीं है, फोर हैगा, फोर लिखेंगे अब हम। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट आर लेफ्ट हियर, एट एंड सिक्स, सो व्हाट विल कम फर्स्ट, सिक्स, सो राइट डाउन सिक्स इन द थर्ड कॉलम। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एट, राइट डाउन एट हियर। फोर्थ वन, वन फाइव थ्री सेवन। अब हम इसको एक तरीका और है जैसे हम कर सकते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि हमारी कौन सी डिजिट्स हो गई हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वन, वन सबसे पहले है, सबसे छोटी डिजिट है, पहले हम वन लिख देंगे। अब क्योंकि हमारा वन हो गया, इसे हल्का सा कट कर दो ऊपर से वन वाली डिजिट को, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारा वन हो चुका है। अब हमारे पास फाइव थ्री और सेवन बचा है, तो अब क्या आएगा, टू है, नहीं है, थ्री हैगा, तो थ्री को लिखेंगे अब हम सेकेंड कॉलम में, और ऊपर से थ्री को कट कर देंगे कि हमारा ये हो चुका। अब बचा फाइव और सेवन, तो फोर नहीं है इसमें, फाइव हैगा, तो फाइव हम लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेवन, तो सेवन को हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, और इनको कट करने से आपको ये पता चल गया कि आपकी कोई डिजिट बची भी नहीं है, और आपकी सारी डिजिट्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऑर्डर में अरेंज हो गई हैं। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी हैव कम्प्लीटेड अवर एक्टिविटी, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द काउंटिंग 1 to 10 एंड देन यू सॉल्व दिस नंबर्स। ओके, थैंक यू।